हवा तो बिल्कुल दुरुस्त है और धुआं जो है वो भी बिल्कुल दुरुस्त है। तो मैं गिफ्ट किसको दूं, आपको या सर को? सर को। मैं सुपर चलाना शहर मार्केट रोजरी मैं बेहतरीन चलाना सर असल पड़ा दस कुछ तो करना पाओ मुझे ये भी मैं पता है हम रमजान में हैं और जश्न रमजान का एक और शुमारा लेके हम आपकी खिदमत में हाजिर। इसी सीरीज के सिलसिले में आज मैं यानी शादाब गिलानी और मेरे साथी शोएब वानी और उमर डार आप पहुंचे हैं मागाम। हम आपको मागाम का आसपास जो हिस्सा है वो दिखाएंगे जो कि बडगाम की एक तहसील है और उसके साथ जो मागाम की सबसे खूबसूरत गांव है जिसे हम क्राफ्ट विलेज के नाम से जानते हैं कनीहामा, वहां भी ले चलेंगे। जश्न रमजान का ये शुमारा हम खैबर सिमन जैम के अश्वी क्लीट्स अलोहा जैन के फॉर्चून रिजॉर्ट और कवल फूड्स एंड स्पाइसेस के इश्तराक से आप तक पहुंचा रहे हैं। इस शुमारे में मेरे वार्डरोब का ख्याल रखा है रॉयल कंसेप्ट। आपका नाम? सबा। आपका नाम? इंशा। अच्छा, कहाँ पढ़ते हैं आप? डिग्री कॉलेज मागाम। अभी हम कश्मीर लाइफ से आए हैं और हमारी एक सीरीज चल रही है जश्न रमजान के नाम से, जिसमें हम अलग अलग जगहों पर जाते हैं। अभी हम मागाम आए हैं, हम एक सवाल पूछते हैं, सवाल कुरान के रिलेटेड होता है, तो आप दोनों साथ में जवाब देना चाहेंगे। हम एक सवाल पूछेंगे, अगर आप सही जवाब दे पाए तो हम आपको एक तोहफा देंगे हमारे स्पॉन्सर की तरफ से, ठीक है? आपने सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीन स्टेट्स तो सुनी होगी, है ना? तो गैस के हवाले से कुरान मजीद में किन चीजों का तज़किरा मौजूद? आप बोलिए, कोई बात गलत भी है तो कोई बात नहीं, फिर से सोचेंगे। क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है? एक आपको लगता है हवा है। अच्छा ठीक, और क्या लगता है, और क्या हो सकता है? किस फॉर्म में गैस होती है हमारे आसपास जो हम बहुत विजिबली देखते हैं? तो हवा है। चलिए, हवा इनका जो हवा जवाब है बिल्कुल दुरुस्त है, हवा बिल्कुल सही है, ठीक है? आपके लिए आसानी कर रहा हूँ मैं ताकि आप थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाएं। हवा बिल्कुल सही है, दूसरी क्या चीज है? हवा और धुआं। पक्का हवा तो ठीक है, धुआं आप सोच लीजिए, सोच लीजिए एक बार। मैं नहीं चाहता कि इनका जवाब गलत हो जाए, ये बहुत नजदीक पहुंच गए गिफ्ट लेने के। जब कयामत का तज़किरा है कुरान में तो मतलब उसमें है कि पहले वो दुखान जिसको बोलते हैं, धुआं धुआं बिल्कुल स्मोक। हाँ स्मोक, तो आप कह रहे हैं हवा और धुआं फाइनल है, सही गलत वो कुछ नहीं पता। हाँ यही है। आपका नाम क्या है? इंशा और सबा। इंशा और सबा ने कहा हवा और धुआं, और मैं आपको ये बता दूं, हवा तो बिल्कुल दुरुस्त है और धुआं जो है वो भी बिल्कुल दुरुस्त है। इनका जवाब जो है बिल्कुल सही है। कैसा लग रहा है आपको, सही जवाब है आपका? रिलीफ। ये हमारे स्पॉन्सर है फॉर्चून रिजॉर्ट, उनकी तरफ से एक तोहफा आप दोनों के लिए। कुरान में हवा वाहिद की हालत में महज दो बार आया है, लेकिन बहसियत विंड के जो कि हवा का जमा है 30 से ज़ायद मर्तबा मौजूद है। कुरान में हवाएं मालिक कुल का अतिया है, जिनका इस्तेमाल समंदरी जहाज़ों और बादलों को चलाने में आता है। अल्लाह ने कुरान में ये भी फरमाया है कि वो चाहे तो हवाओं का कंट्रोल किसी को भी बख्श दें, जैसे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ हुआ था। रही बात स्मोक की, तो इसका तज़किरा दो अलग अलग लफ्ज़ों के हवाले से हुआ है। एक लफ्ज़ है दुहन, जिसके नाम पर एक सूरत भी मबनी है, लेकिन बहुत सारे उल्मा का मानना है कि दुहन का इस्तेमाल कायनात के बनाए जाने के हवाले से किया गया है, और इस लफ्ज़ के माने धुएँ के बजाय माजरात, मिस्ट या कोहरे के भी हो सकते हैं, न कि धुएँ के। दूसरा लफ्ज़ यामुन के हैं, जिसका मतलब ज़बरदस्त गर्मी हो सकता है, ना कि धुआँ।
मागाम जो डिस्ट्रिक्ट बडगाम का हिस्सा है और इसके करीबी जो एक इलाका आता है भीरवा, वो इसका सब डिस्ट्रिक्ट है और ये मागाम जो खुद में एक तहसील है। मागाम के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसे कहा जाता है गेटवे टू गुलमर्ग, क्योंकि वो जगह है जहाँ से आगे गुलमर्ग की तरफ जाया जाता है। गुलमर्ग जो कि फेमस की रिजॉर्ट है और दुनिया भर में लोग इसे जानते हैं, वो इसी सड़क से होते हुए गुलमर्ग पहुँचते हैं। मागाम को एक बिजनेस हब भी कहा जाता है क्योंकि मागाम के इर्द गिर्द तीन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तीन डिस्ट्रिक्ट्स हेडक्वार्टर जो है वो मागाम से मिलते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो करीबी बडगाम डिस्ट्रिक्ट, साथ ही श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट भी मागाम से ज़्यादा दूर नहीं, तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पे है, और नॉर्थ कश्मीर का बारामूला डिस्ट्रिक्ट भी जो नारबल से आगे शुरू होता है उसके बॉर्डर्स भी मागाम के साथ लगते हैं। तो इसीलिए इसे बिजनेस हब भी कहा जाता है, कई इलाकों के लोग यहाँ आते हैं जो अपना सामान बेचते हैं। مارکیٹ روزدری من بہترین چلان سر اصل پہ دس کس تھی کر پاؤ یہ پتہ کہ یہ کیا مگر بزنس ایمبارڈری کار اند ہاتھ پہ فسٹ ماس آمت اہس دستیاب کمان ٹوٹل اند ہاتھ مارکیٹ کہین ونکس چلان یہ سبزی چلان بیس چلان یہ کھین آٹم وین آٹم چلان باقی کار اند ہاتھ سورے ونکن ایم اے کرت بہت سورے کی بہت سورے سسٹم بہت سورے سسٹم ایم اے کرت ونکن بہت بچار ریڈن پہ کام کر مگر تپت روزگار پن چلان کہین اند ہاتھ پڑا سوری دوست سر یہ ونکن سچویشن گھر نیران عیال خطر مگر یہ کہین شام یہ فرسٹریشن گسان دن کرو خودکشی آپ مجھے بتایا ابھی رمضان چل رہا ہے, رمضان کے مہینے میں کیا کام خاص کرتے ہیں آپ؟ میں جی اللہ کی بات, قرآن کے مطابق جو زمین ہے نا, ارتھ زمین ہے, وہ کس شیپ میں, شیپ کیا ہے قرآن کے مطابق؟ قرآن کے مطابق گول ہے, سوچ لیجیے انڈے کی جیسے, ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں, آپ سوچئے, میں آپ کہہ رہا ہوں کہ سوچنے کے لیے انڈے کی شیپ جیسے یعنی کہ سفر ایک, آپ بول رہے ہیں سفر فائن کر دوں, ڈن کر دوں, ڈن کر دوں جی. ان کا جو جواب ہے سفریکل وہ بالکل درست جواب ہے. یہ ہمارے اسپانسر ہیں فائبر سیمنٹ, ان کی طرف سے آپ کے لیے ایک تحفہ. قرآن میں زمین کا تذکرہ مختلف معاملات کے حوالے سے 400 سے زائد مرتبہ آیا ہے, لیکن زمین کا تذکرہ اس کی شکل و صورت کے حوالے سے ایک بار بالکل واضح طور پہ آیا ہے اور دو بار بالواسطہ طور پہ آیا ہے. سورہ نازیات میں اللہ نے فرمایا ہے کہ انہوں نے زمین بنائی ہے انڈے کی شکل میں. لفظ دہاہا استعمال ہوا ہے جس کے مفسرین نے دو معنی بتائے ہیں اور اس میں سے ایک ہے آسٹرچ یعنی شتر مرغ کے انڈے کی شکل کی. اس کے علاوہ دو بار لے اور نہار کے تذکرے کے حوالے سے کیا گیا ہے کہ دن رات کو ایسے ہی ڈھکتا ہے جیسے دستار سر کو. زمینی شکل کے حوالے سے انسانی علم میں کافی وقت تک فتور چلا تھا اور بہت سارے عالم اس کو ایک چپٹی شکل کا سیارہ سمجھتے تھے. انسان کو زمین کی شکل سمجھنے میں کافی وقت لگا, لیکن قرآن میں اس کا تذکرہ بہت پہلے ہی موجود ہے.
वालेकुम सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? हयात। हयात किस क्लास में पढ़ते हो? थर्ड में। किस स्कूल में? दून इंटरनेशनल स्कूल। सजदज के कहाँ जा रहे हो? टाई पहनी है आपने, खतरनाक कपड़े पहने। मैं स्कूल में था। तो स्कूल में ऐसे अच्छे अच्छे प्यारे कपड़े पहन के यूनिफॉर्म में? आज हमारा पीटीएम था इसीलिए मैं। अच्छा, आज आपका रिजल्ट देखा, क्या आया था रिजल्ट? 90% माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिर्रब्बिलआलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी याउमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस्सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अन'अमत अलैहिम गैरुल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन। आमीन। आपका फेवरेट क्या है? मेरा फेवरेट सिवैया। सिवैया? मेरा भी सिवैया फेवरेट है। हाई फाइव। ये है अल हिलाल डायग्नोस्टिक सेंटर जो कि एक फलाही इदारा है, उनकी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। क्या नाम है आपका? उमर बिन अब्दुल अजीज। उमर बिन अब्दुल अजीज। हाँ जी सर। ये नाम हमने हर जगह सुना हुआ है ना? हाँ जी सर। आपका नाम? दानिश रशीद। दानिश रशीद। तो आप पढ़ते हैं दोनों, कॉलेज स्टूडेंट्स? हाँ जी सर। माशाल्लाह। अभी रमजान चल रहा है, रमजान में आप दोनों क्या खास करते हैं, क्या मामूल रहता है? इबादत करते सवाल पूछूं आपसे, आप गौर से सुनिएगा। कायनात के जो कायनात ये बनी है, जमीन और आसमान ये जो बनी है, इसके वजूद के हवाले से साइंस और कुरान जो है एक पॉइंट पे इत्तेफाक रखता है। वो ये है कि कुरान भी कहता है कि जो कायनात है ना, ये एक यूनिट से बनी है। जैसे साइंस कहता है ना, एक यूनिट से बनी है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट से बनी है, फिर ये मल्टीप्लाई हो गया। उसी तरीके से कुरान कहता है कि इसी एक यूनिट को तोड़कर सारी कायनात बनाई गई। एक यूनिट था और उसको तोड़कर सारी कायनात बनाई गई है। तो जो आज का साइंस है ना, वो इस तोड़ने को, इस प्रोसेस को किस नाम से हम जानते हैं साइंस के हवाले से? थोड़ा सा आसान बनाओ। एक थ्योरी है, एक बड़ी फेमस थ्योरी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? नहीं नहीं नहीं, दुनिया के बनने के हिसाब से बहुत बहुत फेमस थ्योरी है। थ्योरी है, एक थ्योरी है, हमने हमने हजार हा बार सुनी, आपने भी सुनी होगी शायद, आपको याद नहीं आ रही है, लेकिन अब सुने, अब सोचे। थ्योरी नहीं याद आ रही है। थ्योरी इन वे कि इसका नाम, इसका जो नाम है ना, उस नाम में भी थ्योरी लफ्ज है, इसको हम उस नाम के साथ आगे थ्योरी लगाते हैं, फलानी थ्योरी। वो क्या है वो आप सोचें, कुछ कुछ ख्याल। अगर आपका कोई दोस्त, कोई टीचर आपके आसपास है जिसके हेल्प लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। नियाज सर के? हाँ, नियाज सर, नियाज सर की हेल्प लेना चाहते हैं आप, बुलाएं नियाज सर को। हाँ जी सर, बिल्कुल बुलाएं। सवाल है कि दुनिया के, इस कायनात के वजूद में आने से के रिलेटेड एक सवाल है कि साइंस और जो कुरान है वो एक चीज पे इत्तेफाक रखता है। दोनों कहते हैं कि एक यूनिट जो है उससे ये दुनिया बनी है, उसको तोड़ के तकसीम करके दुनिया बनाई गई है। तो मॉडर्न साइंस में जो तोड़ने का अमल है ना, कि स्प्लिट हो गई, एक बेसिक यूनिट से बनी है और वो बेसिक यूनिट जो है स्प्लिट हो गया, मॉडर्न साइंस में उस तोड़ने के अमल को क्या कहते हैं? उसकी मतलब एक थ्योरी है, उसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। वो कह रहे हैं कि एक्चुअली देयर वाज अ बिग एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन, हाँ, जिसकी वजह से फिर यूनिवर्स एक्सपेंड हो गई, वो अभी एक्सपेंड होती रहती है। अच्छा, मैंने आपको हिंट दी थी कि एक्सप्लोजन, सर ने भी वो चीज़ कही। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि हमें नहीं पता है, आपको शायद कन्फ्यूजन था थोड़ा सवाल में। तो मैं गिफ्ट किसको दूं, आपको या सर को? सर को। मैं बस आता हूँ क्योंकि शेयर ही पान में। तो ये हमारे स्पॉन्सर है जैम कैश वीकलीज, तो उनकी तरफ से एक तोहफा है आप सब के लिए। सूरह अंबिया की 30वीं आयत में दर्ज है, क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन दोनों मिले हुए थे तो हमने जुदा जुदा कर दिया और तमाम जानदार चीजें हमने पानी से बनाई। बिग बैंग थ्योरी भी यही है कि कायनात किसी जमाने में एक गोला था जो जबरदस्त गर्मी की हालत में फट के रेजा रेजा हो गया और कुछ रेजे अभी तक कायनात के वस्तुओं को छू रहे हैं। बागम एक ऐसा इलाका है जहां कुछ
पॉपुलेशन जो है वो सुन्नी है और कुछ पॉपुलेशन जो है वो शिया है। इसीलिए जब हम मागम आते हैं तो हमें यहाँ मरकजी जामिया मस्जिद देखने को मिलती है, जो जहाँ सुन्नी लोग जाके नमाज पढ़ते हैं, और उसी के साथ साथ हमें यहाँ इमाम बाड़ा देखने को भी मिलता है जहाँ शिया लोग जाते हैं अपनी मजालिस और बाकी तकरीब अंजाम देने के लिए। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद फातिमा है। अच्छा, तो क्या करते हैं आप, पढ़ते हैं? हाँ, किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं दर्जे शिशु में पढ़ती हूँ, मैंने उसका इम्तिहान दिया, अब मैं हफ्तों में चढ़ गई हूँ। ठीक है, अभी आप मुझे बताएं, रमजान का महीना चल रहा है, पाक महीना चल रहा है, तो क्या सिखाता है माह रमजान? माह रमजान हमें बहुत सारी चीजें सिखाता है, मतलब ये हमें एहसास देता है कि जो गरीब होता है वो अगर भूखे प्यासे होते हैं तो मतलब वो उनकी फीलिंग्स हमें बताता है। मतलब ये बात समझती है कि मतलब सुबह से लेकर शाम तक भूखा प्यासा रहना ये क्या कोई खुराक बचाव मुहिम है? नहीं, बल्कि इसमें तो मोमिन का, इंसान का रिज़्क बढ़ जाता है। तो फिर अल्लाह क्यों चाहता है कि उसका बंदा भूखा प्यासा रहे, जब एक माँ ये गवारा नहीं करती कि उसका बेटा अगर भूखा प्यासा हो तो वो मतलब करपने लग जाती है, जो हमें 70 माँ से ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला जानता है कि कुछ घंटों की मशक्कत है लेकिन नतीजा बहुत खूबसूरत है। आरिफ साहब, आप यहाँ मकतब में पढ़ाते हैं इमाम बाड़ा के अंदर, तो क्या मामूल रहता है मकतब में पढ़ाने का? ये जो मकतब है, मकतबुल कुरानिया की पूरा मगाम, जो ज़ेर सरपरस्ती हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगा सैयद मोहम्मद हादी अल मौसवी। अच्छा, यहाँ पर हम प्राइमरी लेवल से अप टू सेवन्थ तक, यानी हफ्तम तक पढ़ाते हैं। अच्छा। सवाल मुनाफिक ईमान ईमान नफर मगर दिलस मज बुगज तो हसद आसान तो कुरानस मह सूरत मुनाफिकीन मुतलिक तथ सूरत क्या ना क्या तुम बसान क्या पता सूरत कुरानस मौजूद मुनाफिकीन मुतलिक तथ सूरत क्या ना जो के बिल्कुल ही दुरुस्त जवाब है। क्या जब स्पॉन्सर ना कमल फूड्स एंड स्पाइसेस तिंद तरफ तोहफ तुम खुद तुम्हारा असल जवाब। सुबह पे अच्छ बनम सत हथ रुपये अत अक्स ये त्रे गवर्नमेंटन गाड़ि अमे मूजूब चुना सवर आज कहें अस गई बेरोजगारी वह बेरोजगारी गवर्नमेंट गाड़ि द्राय गामो पे तुम चुना लाल चौक सून गाड़ी वजान स्टैंड पे ना ये वाता बट माल अवर अट तमो बट माल थोड़ तो अ गवर्नमेंट गाड़ि गवर्नमेंटन गाड़ियन सालम साढ़ दान दून कान तान वसान खलक शहर पे खसान त्रे बजे पे सीस कार पान सान गाड़ियन पान कहें بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وأمراته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله। अल हिलाल डायग्नोस्टिक सेंटर की तरफ से जो एक फलाही इदारा है उनकी तरफ से आपके लिए तोहफा। थैंक यू। थैंक यू। जब हम मागम आए तो हमें यहाँ एक लाइब्रेरी के बारे में पता चला, इदारा अबुल फजल अब्बास लाइब्रेरी,
ये एक इस्लामिक लाइब्रेरी है जो वहाँ के लोकल्स थे उनके मुताबिक ये पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी इमामिया लाइब्रेरी है, जहाँ तकरीबन 14,000 किताबें मौजूद हैं। नीट या SSB के रिलेटेड किताबें हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं उन बच्चों को जो शायद इन एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं और वो ये किताबें अफोर्ड नहीं कर पाते। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इदारे उल फजल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इस्लामिक लाइब्रेरी मागाम। मागाम छ अक टाउन श्रीनगर पे 1 किलोमीटर दूर गुलमर्ग रोडस पे। तो यथ मागमस मरकजी हैसियत यथ इलाकस मज हासिल। तो कुनवुह शीत मज गई कह जवान मुजते मे तो तमो दोप अख लाइब्रेरी हुंद कयाम करो। तो रस रस ये लाइब्रेरी मुख्तलिफ इलाकन मज फिरत दान सोमरायत तमुल सोमरायत पोंस सोमरायत तो घरन मज किताब तिमन मंगित तो तिम सोमरायत तो तिम रस रस जमा करित नी एम अख लाइब्रेरी हुंद शेप। तात मज वंकेनस तकरीबन 14,000 किताब मुख्तलिफ मौजूआतन पे। अंग्रेजीस मज किताब, अरबीस मज किताब, पर्शियनस मज किताब तो उर्दूस मज अक्सर किताब बिला मसलक बिला कुन तो इस्लामी थाटस मुतलिक अत मज किताब अवेलेबल। तो यह पब्लिक प्रॉपर्टी पब्लिक लाइब्रेरी ये जवान बच्ची कौर लड़के मुस्तफीद गसान इवन कश्मीर यूनिवर्सिटी हिंद कें स्टूडेंट तेज योर तो यमन ये मटीरियल मूल तो तिम रिसर्च स्कॉलर तिम तो तिम मूल ये मटीरियल मागमस मज। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रकीबा उमर। आपका? मुश्ताक। आपका? मुस्कान हसन। अच्छा, तो अभी रमजान चल रहा है, कॉलेज भी शायद आप कॉलेज स्कूल से आ रहे हैं अभी, तो कैसे बैलेंस करते हैं आप रमजान को स्कूल को कॉलेज को? ये तो करना पड़ता है क्योंकि रमजान में हम कोई ब्रेक ले नहीं सकते, मतलब हमें करना ही पड़ेगा। थक जाते लेकिन ये करना पड़ेगा, जरूरी है, फर्ज है हम पे, तो हमें करना है। तुम सवाल पूछे। जी। सूरह फातिहा आपने सुना होगा। जी। सूरह फातिहा में अल्लाह ताला के कितने नाम आए हैं? सूरह फातिहा में अल्लाह ताला के 4 नाम आए हैं। नहीं, 4 तो नहीं है, या चलिए हम काउंट करते हैं। आप शुरू कीजिए। पहले तो रहमान है, रहीम है, कौन कौन से गिनवाइए आप मुझे। 4 बोल रहे हैं आप, मुझे लगता है कोई छोड़ रहे हैं, कोई मिस कर रहे हैं। अल्लाह। अच्छा, आप अलहमद शरीफ पढ़ें, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अन'अमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलादाललीन आमीन। अब आपने बोला अर्रहमान अर्रहीम अल मालिक अर्रब। 4, 5वां अल्लाह नहीं है। मतलब अल्लाह का नाम नहीं है। थोड़ा सा सोचे, या क्या पता आप सही हैं, आप नहीं हैं, आप नहीं हैं, आप है। अल्लाह का नाम लिल्लाही अल्लाह ताला के लिए अल्लाह है ना। हाँ, अल्लाह है ना। हाँ, तो ये सही बोल रहे हैं। तो आप कौन से 5 नाम है, 5 नाम बता दीजिए हमें। अल्लाह, अल्लाह, मालिक, मालिक, रहमान और रहीम। और रहीम, सही। डन करें, डन करें, ये बिल्कुल सही जवाब है। ये हमारे स्पॉन्सर हैं अलोहा जैन के, उनकी तरफ से आप लोगों के लिए एक तोहफा। थैंक यू सर। यहाँ एक विलेज है जिसे क्राफ्ट विलेज के नाम से जाना जाता है, उस गांव का नाम है कनीहामा। कनीहामा में जो है कनी शॉल, जो कश्मीर की एक फेमस चीज़ है, कश्मीर में बनती है, स्पेशलिटी है, कनी शॉल जो लाखों रुपए के बिकते हैं वो उस गांव में बनते हैं और उन्हीं कनी शॉल्स के नाम की वजह से उस गाँव का नाम कनीहामा विलेज पड़ा है। This
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العلي العظيم. اچھا حظ مشتاق احمد ملک صٲب. مشتاق احمد ملک جناب کیاہ کٲم أسۍ جناب کران آز کرا اتہِ بیلِس ویلِس سۭتۍ زٔمیٖندار بارے بیول ویول دِوان آز جناب گٔے اتھ پانٛژھ شےٚ ؤری کران پانٛژھ شےٚ ؤری چلان بڑٕ بہتریٖن چھُ جناب چلان یہِ سیٖزنلی کار اَسہِ. امہِ برونٛہہ کیاہ ٲسِو کران؟ اَمہِ برونٛہہ زِ جناب أسۍ واریاہَس ٹایمَس پوٚر اَسہِ تَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ نہٕ تُجارتھٕے بَنیو بی ایس سی کوٚر ییٚلہِ نہٕ تُجارتھٕے بَنیو پَتہٕ لوٚگ اَسہِ ییٚتھۍ منٛز تُجارتَس منٛز آ اَمہِ وَرٲے کران باقٕے ڈرٛاے فروٗٹَس سۭتۍ کران. ماہِ رمضانَس منٛز کیاہ حِسابا کِتابا روزان تُہنٛدِس کارَس؟ ماہِ رمضانَس منٛز چھِ اَسہِ آز گٔے زٕ دۄہ نوٚم کُلۍ لاگان اِنشاء اللہ پَنُن گُزار چھِ أتھۍ پٮ۪ٹھ کران أسۍ تہٕ سُہ یُس برونٛہہ اوس کینشن بازرٕ سُہ کینشن چھےٚ وٕنکیٚن بازرَس کیٚنٛہہ بازر چھُ وٕنکیٚن تقریٖباً 60% ڈاوُن 60% چھُ ڈاوُن 60% وٕنکیٚن ڈاوُن بازر. آز چھُ باشعوٗر جوان تعلیٖم یافتہٕ چھِ آز چھِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سونٛچان جان کیٛاہ گوٚو پرٛٲنۍ بُزرگ یِم ٲسۍ تِم ٲسۍ خۄدا برتوکل آز چھُ شعوٗر جوانَن منٛز أزیُک جوان چھُ سونٛچان جان کیٛاہ گژھِ بہتر کیٛاہ گژھِ صحیح کیٛاہ روزِ غلط کیٛاہ روزِ تقریٖباً چھُ 90% سونٛچان جوان تَتھ پٮ۪ٹھ تِم یِم اورٕ یورٕ چھِ آسان. یِم چھِ سٲنۍ سپانسر یِم یَتھ سیٖریٖز منٛز سٲنۍ پَلو چھِ سپانسر کران یِمن چھُ ناو رویل کَنسیپٹ تِہنٛدِ طرفہٕ کٔرِو تُہۍ. جشن رمضان کے آج کے شمارے میں اتنا ہی. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ شمارہ بھی پسند آئے. ہم اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوں گے. تب تک کے لیے آپ بنے رہیں کشمیر لائف کے ساتھ.